हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का आज की लाइव सेशन में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे आवाज क्लियर है ना। थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस हो सकता है, सभी जल्दी से जल्दी लाइव आए। हाँ गुलशन, दीपक, खुशी, सब देखिए लाइव हो क्या। हाँ सब आ गए। पायल, यस यस पायल आ गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी आइए जिससे क्लास शुरू की जा सके। राम राम जी, खुशी, यस, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आइए जबी सभी, और जो अपने साथी अभी तक लाइव नहीं है उनको मैसेज कीजिए, उनको बुलाइए, कॉल कीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी अगले 2 मिनट में क्लास शुरू हो जाएगी। जितने फ्रेंड्स आ चुका है, आवाज क्लियर है ना बेटा। अभी 2-5 मिनट में वो आवाज बंद हो जाएगी। अभी थोड़ा सा साइड में डीजे चल रहा है, 5-7 मिनट का डिस्टरबेंस रहेगा, मात्र 5-7 मिनट का, है ना। चलो क्लास शुरू करते हैं बड़ा। हम 5वें सवाल पर हैं। प्रेशर हमसे कह रहा है 4 सवाल हम कंप्लीट कर चुके, हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसमें हम 4 सवाल कंप्लीट कर चुके, अब 5वें सवाल पर आइए। देखिए क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए बेटा। अनुपात पूछ रहा है हमसे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5। पहले आप बिंदु लिख लीजिए बेटा। ए बिंदु है हमारे पास 1 और -5, बी बिंदु हमारे पास है -4 और 5। इनको ये मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी। ध्यान से समझिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1-5, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये एक्स अक्ष पर विभाजित है, पी बिंदु ये एक्स अक्ष पर विभाजित है। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए
और अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बेटा यदि आप इसको एक डायग्राम में बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये अपना कोई एक निर्देशांक ज्यामिति है और ये एक्स और ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। मान लीजिए यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। जैसे कि ए बिंदु को लिख दूं मैं एक और माइनस पांच, और इसके ये जो बी बिंदु को लिख दूं मैं माइनस चार और पांच, ये बी बिंदु है। अब यहां पर कोई बिंदु है पी जो एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है, चलो इसको ऐसे ना लिख कर मैं एक्स अक्ष पर ही लिख दिया, मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया। एक बिंदु ए था हमारे पास एक माइनस पांच, एक बिंदु बी था हमारे पास माइनस चार पांच। ध्यान से समझिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है बेटा? एक्स अक्ष। क्या विभाजित करता है? एक्स अक्ष। बेटा ग्यारहवीं बारहवीं प्रश्नावली पढ़नी है, आप स्कूल में आइए, यहाँ कंटिन्यू जो सेशन चल रहा है वो ही चलेगा। ठीक है विकास बेटे, जो भी मैंने बताया था एक्स्ट्रा जो भी कुछ पढ़ना है क्लास में आइए, यहाँ जो कंटिन्यू चल रहा है वो ही चलेगा। ठीक है, अब ए और बी, ए और बी इसको एक्स अक्ष पर काट रहा है। अब बेटा ध्यान से समझिए, एक्स अक्ष पर जो बिंदु चलेगा उसका वाई निर्देशांक हमेशा जीरो होगा। एक्स अक्ष पर जो बिंदु चलेगा उसका वाई निर्देशांक हमेशा जीरो होगा। तो एक्स अक्ष पर काट रहा है ये ए बी, ए बी को पी एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो पी के निर्देशांक, देखो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक ध्यान से समझिए क्या होंगे, ये पी और एक्स जीरो होंगे बेटा। एक्स जीरो यानी कि एक्स अक्ष पर कुछ ना कुछ मान निश्चित होगा लेकिन वाई यहां जीरो होगा। ध्यान से समझिए, एक्स अक्ष पर यहां कुछ ना कुछ मान होगा, एक्स अक्ष पर, देखो ये एक्स अक्ष पर काट रहा है ना, तो एक्स अक्ष पर कुछ ना कुछ मान निश्चित होगा लेकिन इसका मान वाई का मान जीरो होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें अनुपात भी पूछ रहा है, तो माना जब हमें अनुपात नहीं दिया गया, माना विभाजन बिंदु पी के अनुपात, पी पर अनुपात है ना, माना अनुपात, अनुपात मैंने आपको बताया था कि के अनुपात एक मानना है हमेशा, तो इसका जो बेटा पी बिंदु पर अनुपात तो के अनुपात एक आ गया और पी के निर्देशांक एक्स जीरो आ गया। अब मैं इसके मान लिखता हूं, मान समझिए आप इसको, यहां मैं इसके मान लिखने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन है, तो एक्स वन का मान एक, वाई वन का मान माइनस पांच। ठीक है बेटा, पहला बिंदु ए है इसके निर्देशांक एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु बी है इसके निर्देशांक होंगे एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू का मान माइनस चार और वाई टू का मान है बेटा पांच, वाई टू का मान कितना है पांच। अब ये जो P के निर्देशांक होते हैं ना, ये विभाजन बिंदु के, इसको एक्स वाई बोलते हैं, तो X की जगह तो X है और Y की जगह क्या लिखेंगे बेटा जीरो। X की जगह तो मैं X लिख देता हूं लेकिन Y की जगह क्या है जीरो। अनुपातों में देखिए M1 की वैल्यू K है, M2 की वैल्यू जीरो है। बड़े ध्यान से समझिए सवाल को, हमारे पास दो बिंदु थे, ए बिंदु था एक और माइनस पांच, बी बिंदु था माइनस चार और पांच, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, ध्यान से समझिए इनको मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर काटता है बेटा। किस अक्ष पर काटता है? एक्स अक्ष पर। तो ध्यान रखिए, यदि ये एक्स अक्ष पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो ध्यान से समझिए एक्स का मान तो कुछ ना कुछ आएगा। एक्स अक्ष पर काट रहा है तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ आएगा। मैंने उस अज्ञात राशि को एक्स ही लिख दिया, लेकिन एक्स अक्ष पर जब काटेगा ना तो वह वाई निर्देशांक क्या होता है? जीरो होता है। तो ये जो कटान बिंदु है, ये विभाजन बिंदु है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसका नाम निर्देशांक हो गया एक्स जीरो। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? एक्स जीरो। और अनुपात भी पूछ रहा है, अनुपात को हमने के अनुपात एक लिख दिया बेटा, अनुपात को हमने के अनुपात एक लिख दिया बेटा, के अनुपात एक। अब देखिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? विभाजन बिंदु सूत्र से, विभाजन बिंदु से, विभाजन बिंदु ये सूत्र लगाएंगे बेटा। विभाजन बिंदु जो कल भी मैंने पढ़ाया था वही सूत्र है बेटा, एक ही सूत्र है, आगे कुछ नहीं है। इसमें x की वैल्यू का सूत्र क्या होता है? m1 x2 plus m2 x1 बटे m1 plus m2, बस मान जमाने की बात है, सवाल हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो बेटा x की जगह तो x ही है, x की जगह तो x ही है, m1 की वैल्यू k है,
एक्स टू की वैल्यू माइनस चार है प्लस एम टू की वैल्यू जीरो एक है बेटा, यहाँ के अनुपात एक माना है ना, तो एक है, एम टू की वैल्यू एक है और एक्स वन की वैल्यू एक है, ठीक है, एम वन बटे एम टू, तो एम वन का मान बेटा के है और एम टू का मान एक है। इसको देखिए बेटा आगे चल के, के गुणा माइनस चार करेंगे माइनस चार के हो गया, प्लस एक गुणा एक करेंगे एक हो गया और नीचे के प्लस वन। अब भी बेटा क्या हो रहा है कि इसमें मान नहीं निकल रहा किसी का भी, क्योंकि इसमें दो अज्ञात राशि आ गई, एक्स भी अज्ञात है और के भी अज्ञात है। जब किसी प्रश्न के अंदर दो राशियां अज्ञात हो, दो राशियां अज्ञात हो बेटा, मान नहीं निकलता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से पिंटू गेमिंग आप सवाल पर ध्यान दीजिए, कमेंट्स कम कीजिए थोड़ा सा। वाई बराबर, अब वाई का निर्देशांक, देखो ये एक्स निर्देशांक लिखा था, अब वाई निर्देशांक, सूत्र वही है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसमें मान जमा देंगे, मान जमा देंगे बेटा, मान जमा देंगे, वाई की वैल्यू रखिए यहाँ जीरो है बराबर, एम वन की वैल्यू रखिए बेटा, एम वन की वैल्यू के है, वाई टू की वैल्यू रखिए बेटा पांच है, प्लस एम टू की वैल्यू रखिए एक है, वाई वन की वैल्यू रखिए माइनस पांच है, बटे एम वन की वैल्यू के है प्लस एम टू की वैल्यू एक है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, जीरो बराबर पांच गुना के करेंगे ये पांच के हो गया, प्लस का एक गुना माइनस पांच करेंगे तो माइनस पांच हो गया। ध्यान रखना प्लस की संख्या जब माइनस से गुणा होती है तो माइनस में उत्तर आते हैं, नीचे के प्लस वन है। अब बेटा इधर एक संख्या है, इधर अंश बटे हर की दो संख्याएं हैं, तो इधर भी अंश बटे हर बनाने के लिए अब एक लिख देंगे। अब सीधा सा फंडा है, वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वज्र गुणा। अब ये पांच के माइनस पांच तो एक से गुणा होगा, आपको पता है एक से कोई भी संख्या गुणा होती है तो वही संख्या रहती है, एक से कोई भी संख्या गुणा होती है तो वही रहती है, तो पांच के माइनस पांच को एक से गुणा करेंगे बेटा, ये पांच के माइनस पांच ही आएगा, ठीक है बेटा। अब ये जीरो गुणा होगी के प्लस वन से, जब जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दोगे ना तो पूरा मान जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी भी संख्या गुणा करोगे तो मान जीरो हो जाएगा। अब देखिए बेटा पांच के बराबर, माइनस पांच को इधर ले जाएंगे प्लस पांच हो गया, के की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए बेटा ये पांच के है, पांच इसके गुणा में है तो इधर भाग में चल जाएगा, पहले ये पांच है बटे में पांच आ गया, के की वैल्यू एक आ गई, तो बेटा सबसे पहले ये अनुपात निकल के आ गया हमारे पास, अनुपात अपना था के अनुपात एक, क्या था बेटा अनुपात, के अनुपात एक, तो के की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास एक, अनुपात एक, ये जो हमारा अनुपात निकल के आएगा बेटा इसमें आएगा एक अनुपात एक, जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा एक अनुपात एक। अब हमसे निर्देशांक का मान भी पूछा गया था, किसका मान भी पूछा गया था कि एक्स अक्ष पर जो काट रहा है ना उस निर्देशांक का मान भी पूछ रहा है, तो हमारी जो के की वैल्यू आई है ना इसे समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में हम के की वैल्यू रख रहे हैं, समीकरण एक से एक में जब आप के की वैल्यू रखोगे, इधर देखो एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, माइनस चार गुणा के की वैल्यू एक हो जाएगी प्लस एक बटे नीचे के का मान एक है प्लस एक। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, पेपर में आने लायक सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान रखना। माइनस चार को एक से गुणा करेंगे बेटा माइनस चार होगा, प्लस का एक हो गया बटे दो हो गया, तो एक्स बराबर क्या होगा बेटा माइनस चार प्लस एक, यानी माइनस तीन बचेगा ऊपर बटे दो रहेगा। अब देखो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या बचेगा अपना, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु के निर्देशांक, कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या माने थे बेटा हमने, पहले वो क्या माने थे हमने, पी एक्स जीरो माना था, एक्स अक्ष पर जो बिंदु था ना उसके निर्देशांक हमने क्या माने थे बेटा एक्स जीरो, तो पी और एक्स की वैल्यू कितनी आई है माइनस तीन बटे दो और जीरो की जगह जीरो। ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया, एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं बेटा, ध्यान से समझिए। हमें दिया गया क्या है प्रश्न में, दो बिंदु दे रखे हैं हमको ए और बी, ए के निर्देशांक है एक और माइनस पांच, बी के निर्देशांक है माइनस चार और पांच, क्लियर है। उसके बाद में बेटा हमसे क्या कहा गया है कि ए बी को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु एक्स अक्ष पर काटता है, ए बी को मिलाने वाली रेखा को, पिंटू मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान कर लेना ज्यादा कमेंट करेगा तो, बोर्ड पर पूरा आ जाएगा, ये देखिए बोर्ड पर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
पिंटू का भी कोई कमेंट आया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान से समझ लेना वस्तु, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। ये दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, ए और बी, ए के निर्देशांक ये दे रखे हैं, बी के निर्देशांक ये दे रखे हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु एक्स अक्ष पर काटता है तो उस एक्स अक्ष के निर्देशांक भी काटना है और अनुपात भी पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर काट रहा है तो उसके निर्देशांक बेटा हमने एक्स जीरो लिख लिया और अनुपात मैंने आपको बताई दिया, किसी भी प्रश्न में अनुपात की बारी आवे तो के अनुपात एक मानना है हमेशा, क्या मानना है बेटा, के अनुपात एक। तो ये जो ए बिंदु के निर्देशांक तो एक्स वन वाई वन लिख दिया, एक्स वन वाई वन, बी बिंदु के निर्देशांक एक्स टू वाई टू लिखते हैं, ये एक्स टू वाई टू हो गया। अब पी के जो निर्देशांक होते हैं ना ये हमेशा एक्स वाई होता है तो ये एक्स वाई लिख दिया, एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह जीरो, अनुपातों में एम वन की जगह के है, एम टू की जगह एक है, ये हमने लिख दिया। अब सिर्फ x कोऑर्डिनेट का सूत्र लगाया और y कोऑर्डिनेट का लगाया, x का लगाया तो देखिए इसमें दो अज्ञात राशि रह गई k और x, तो इसको समीकरण एक मान के यहीं छोड़ दिया। फिर y को हल किया तो y को जब हल करते हैं ना k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई तुरंत ही अनुपात लिख दिया, k अनुपात एक था तो एक अनुपात एक हो गया। अब जो k की वैल्यू आई थी उसको समीकरण एक में रख दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो वो कटान बिंदु के निर्देशांक हो गए बेटा, क्या हो गया, कटान बिंदु के निर्देशांक हो गया। आप इसको कर सकते हो, मैं मिटा देता हूं, ठीक है, समझने पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलने की कोशिश करते हैं, अगले प्रश्न बहुत मोस्ट सवाल, मैं आपको बता रहा हूं जो इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए एक प्रश्न इस एक्सरसाइज में से 100% आना ही आना है। अभी 5-6 प्रश्न पढ़ेंगे, 5-6 प्रश्नों में से एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। देखिए बेटा छठा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न कहता है यदि बिंदु 1, 2 4 वाई एक्स 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज। आप अच्छी तरीके से जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो उसे क्या बोलेंगे बेटा, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। और प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसी क्रम में है तो पहला बिंदु 1, 2 दूसरा बिंदु 4y ठीक है, तीसरा बिंदु एक्स 6 और चौथा बिंदु 3, 5 ये हमारे बिंदु लिख दे बेटा। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है इसमें बेटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, x और y की, किसकी पूछ रहा है बेटा, x और y की। अब ध्यान से समझिए, समांतर चतुर्भुज मैंने आपको कल भी बताया था, जब समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करवाए ना, सिद्ध करवाए तो हम क्या करते हैं, चारों भुजा वो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। जब हमसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करवाए बेटा, ध्यान से समझना, जब हमसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करवाए तो कैसे सिद्ध करेंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए, वो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन इस प्रश्न में क्या कर रखा है कि हमें पहले से ही दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज है, सिर्फ हमको तो अज्ञात राशियों का मान निकालना है। तो बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, समांतर चतुर्भुज में जब आप विकर्ण खींचते हो, ये विकर्ण एसी खींच लिया ठीक है, और ये विकर्ण हमने खींच लिया बीडी, अब इनका कटान बिंदु ये पी आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है ना, अब ये जो बिंदु पी है ना ये एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी मध्य बिंदु है। इस पी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पी को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, एसी का मध्य बिंदु पी है और बीडी का भी मध्य बिंदु पी है, तो एक बार तो हम इसको निकालेंगे एसी के मध्य बिंदु से, एसी का मध्य बिंदु पी है, दूसरे तरीके से अपन निकालेंगे बीडी का मध्य बिंदु पी है, और पी बेटा एक ही पॉइंट है, पी एक ही पॉइंट है, निकाल हम दो तरीके से रहे हैं, निकाल हम दो तरीके से रहे हैं, और दोनों तरीके से पी के निर्देशांक निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे बेटा बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इस लाइन को समझने की कोशिश करें, इस लाइन को समझने की कोशिश करें, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, है ना, वर्ग में भी होते हैं,
वर्ग में भी विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, आयत में भी समद्विभाजित होते हैं, है ना, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि पी बिंदु एसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी एसी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, विकर्ण, पहले मैं एसी से निकाल रहा हूं, एसी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक मान लेते हैं अपन पी एक्स वाई है बेटा, कितना है पी एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू, अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु का, क्या सूत्र लगेगा इसमें, मध्य बिंदु का लगेगा बेटा, मध्य बिंदु का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 बटे 2, तो x बराबर, अब ये देखो मैं AC की बात कर रहा हूं, AC की, तो x1 तो क्या है AC में, एक है, प्लस x2, एक मिनट आप है ना, इसका निर्देशांक थोड़ा सा अलग लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, देखो बेटा ध्यान से समझिए, क्योंकि एक्स एक्स दो बार आएगा ना तो दिक्कत रुक जाएगी, यहीं अपन डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं इसी में, जैसे पी है और x का सूत्र लगा देंगे, x का क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, और y का सूत्र क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, मैं इसी में कर रहा हूं एक साथ ही, ध्यान से समझिए p, अब ये हम AC की बात कर रहे हैं बेटा, AC की, AC में ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे के x2 y2, तो देखिए बेटा x1 की वैल्यू यहां 1 है, प्लस x2 की वैल्यू यहां x है बटे 2, अब इसी AC में y1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 6 है बटे 2 हो गया, तो हमारे पास p के निर्देशांक निकल के कितने आएंगे बेटा, 1 प्लस x बटे 2, और 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, ये हमारे AC के मध्य बिंदु p का निर्देशांक हो गया बेटा। अब ध्यान से समझ लीजिए, पुनः इसको करेंगे, पुनः इसको करेंगे, अब BD का भी मध्य बिंदु p है, अब लिखेंगे BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, BD का भी मध्य बिंदु P है बेटा, BD का भी मध्य बिंदु क्या है P, इसको भी पी एक्स वाई लिखेंगे, और P का मान हो गया X की वैल्यू, मध्य बिंदु है तो X1 प्लस X2 बटे 2, और Y1 प्लस Y2 बटे 2, तो देखिए बेटा आगे P X1 प्लस X2 किस में, BD में, तो B पहले लिखा हुआ है, B X1 Y1 होगा और D X2 Y2 होगा, ये BD इसकी बात कर रहा हूं, तो X1 कितना है बेटा इसमें 4, प्लस X2 कितना है 3 बटे 2, X1 प्लस X2 बटे 2, X1 प्लस X2 बटे 2, अब Y का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, Y1 प्लस Y2 बटे 2, तो Y1 क्या है Y1 क्या है बेटा Y, प्लस Y2 कितना है 5 बटे 2, तो ये क्या हो गया P 7 बटे 2, सात बटे दो हो गया ना, चार तीन सात बटे दो, और वाई प्लस पांच बटे दो, अब बेटा ये भी पी का निर्देशांक है समीकरण एक में, और ये भी पी का निर्देशांक है समीकरण दो में, ये पी एक ही बिंदु है, लेकिन इसको हमने अलग अलग तरीके से निकाला है, एक को तो एसी का मध्य बिंदु से निकाला है, एक को बीडी के मध्य बिंदु से निकाला है, ध्यान से समझिए, लेकिन ये पी तो एक ही चीज है, पी तो एक ही बात है, तो ये एक बार तो एसी के मध्य बिंदु से निकाल लिया, एक बार बीडी के मध्य बिंदु से निकाल लिया, लेकिन समीकरण एक और दो में दोनों पी एक ही है, समीकरण एक और दो में, समीकरण एक व दो में समान पी है, समान बिंदु है, तो दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे बेटा बराबर, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, अब दोनों को बराबर कर देंगे, देखो इधर लिख दिया पी एक प्लस एक्स बटे दो चार, और इधर लिख दिया P 7 बटे 2 और Y प्लस 5 बटे 2, अब इनकी तुलना कर दो बेटा, तुलना क्या कर देंगे, तो 1 प्लस X बटे 2 तो किसके बराबर होगा 7 बटे 2 के, 1 प्लस X बटे 2 किसके बराबर होगा 7 बटे 2 के, 2 से 2 काट दिया, 1 प्लस X बराबर 7 हो गया, तो X बराबर 7 माइनस 1 हो गया, तो X बराबर 6 आ गया बेटा, ठीक है, अब दूसरी तुलना करेंगे 4 बराबर, ये क्या है वाई प्लस 5 बटे 2, वज्र गुणा कर लेंगे 8 बराबर y प्लस 5, 5 को इधर तरफ ले आएंगे 8 माइनस 5 बराबर y, या y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, अतः p बिंदु हमारे पास आ गया 6 और 3, जो विभाजन बिंदु है ना इनका, इनका विभाजन बिंदु है, यानी विकर्णों का मध्य बिंदु है, वो अपने पास 6 आ गया, x और y की वैल्यू पूछ रहा है, इसको भी मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है,
इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। देखो ये समांतर चतुर्भुज दिया गया था, एक बार तो एसी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लेंगे, एक बार बीडी के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लेंगे, दोनों तरफ पी का निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे बेटा, दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे बेटा, दोनों को बराबर, दोनों को बराबर कर देंगे, तुलना कर लेंगे, एक्स को एक्स के बराबर कर दिया, वाई को वाई के बराबर कर दिया, दोनों को जब बराबर कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की और वाई की आ जाएगी बेटा, ठीक है ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा देता हूं इसको। आगे देखिए प्रश्न संख्या अपना सातवां, देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए आपको। देखो बेटा ए बी एक वृत्त दे रखा है, सातवां प्रश्न ध्यान से समझिए, ये ए बी एक वृत्त दे दिया, ए बी क्या दे दिया एक वृत्त, इसमें ए बी एक व्यास दे दिया, ये ए और ये बी है, ये व्यास हो गया और आपको पता है ये सेंटर पॉइंट ओ है, एक वृत्त में व्यास कहां से जाता है, ये व्यास है, इसमें ए ओ भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। एक बात याद रखना कि व्यास का जो मध्य बिंदु ओ होता है, हमेशा ध्यान रखना कि ओ है ना जो सेंटर पॉइंट होता है, वृत्त का केंद्र होता है ना, केंद्र होता है व्यास के मध्य में होता है, वृत्त का केंद्र होता है बेटा जो व्यास के मध्य में होता है, ध्यान रखना। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र इसका 2-3 है, 2-3 है, तथा बी के निर्देशांक 1-4 है बेटा, बी के निर्देशांक 1-4 है, ठीक है। अब आपको इस ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए के बड़ा ध्यान से समझिए, ए बी का ओ मध्य बिंदु है, देखो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, होता है, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु वाला सूत्र उपयोग लिखना पड़ेगा आपको, मध्य बिंदु वाला कौन सा लिखना पड़ेगा बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र लिखेंगे ना, तो x बराबर तो क्या होता है x1 + x2/2 और y बराबर क्या होता है y1 + y2/2। अब इनको समझिए बेटा क्या क्या है ये, देखो पहला जो बिंदु होता है वो x1 y1 होता है, पहला जो बिंदु होता है तो x1 हमें ज्ञात करना है और y1 हमें ज्ञात करना है, समझ आया कुछ, कि पहले बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है बेटा, पहले बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है सवाल में, पहले बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है सवाल में, जब पहले बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है तो पहला बिंदु हम अच्छी तरीके से जानते हैं उसको x1 और y1 से लिखते हैं, पहले बिंदु को किससे लिखते हैं बेटा x1 और y1 से, पहले बिंदु किससे लिखते हैं x1 और y1 से, लिख दिया, जो अज्ञात है ये हमें ज्ञात करने हैं बेटा, क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। दूसरे बिंदु के निर्देशांक को लिखते हैं x2 और y2 से, x2 का मान 1 है और y2 का मान 4 है, ठीक है, और बीच के निर्देशांक को लिखते हैं x और y से, x का मान 2 है और y का मान कितना है -3। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जब किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो पहले वाला बिंदु का निर्देशांक x1 y1 होता है, दूसरे वाले का x2 y2 होता है और जो मध्य में होता है उसके x और y होते हैं, बस इसमें जमाना है। अब बेटा देखो जमा देते हैं, x की वैल्यू यहां कितना लिख देंगे 2, x1 कितना है दे नहीं रखा ज्ञात करना है, x2 कितना है 1/2। अब वज्र गुणा कर लो आप, वज्र गुणा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 1 इन दोनों से गुणा होगी तो यही रहेगा x1 + 1, 1 को इधर लाएंगे, 4 - 1 बराबर क्या हो गया x1, या आप इसको लिख सकते हो x1 बराबर बेटा कितना आया 3, x1 की वैल्यू कितनी आई 3, इधर आई है y की वैल्यू, यह है y -3 है बराबर, y1 की वैल्यू ज्ञात करनी है प्लस y2 की वैल्यू 4/2, अब वज्र गुणा कर लेंगे, -6 हो गया, इधर y1 + 4 हो गया, 4 को इधर ले आएंगे, -6 प्लस का 4 इधर आएगा तो बेटा -4 हो गया बराबर y1 हो गया, या आप लिख सकते हो y1 बराबर -10 हो गया,
माइनस छह माइनस चार माइनस दस हो गया। अब एक्स वन और वाई वन किसके निर्देशांक थे, ए के। ये ए के निर्देशांक एक्स वन और वाई वन है बेटा, तो ए के निर्देशांक क्या हो गया, अतः ए एक्स वन वाई वन कितना आया हमारे पास ए, और एक्स वन की वैल्यू तीन आई है और वाई वन की वैल्यू माइनस दस आई है। ये हमारा सवाल हो गया, दैट्स क्लियर, इसको समझ सकते हैं, पूरा सवाल क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा देता हूं। ठीक है बेटा, ए बिंदु अज्ञात है जिसके पहले निर्देशांक एक्स वन वाई वन है, दूसरे के एक्स टू वाई टू है, ये एक्स वाई होता है, मध्य बिंदु वाले सूत्र में मान रखेंगे, तो एक्स वन और वाई वन अज्ञात है जिसका मान ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आठवें प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या आठ, प्रश्न संख्या आठ, आठ को करने की कोशिश करते हैं, बड़ा अब तो मिटा दिया, यानी कि एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, एक भैया कमेंट आया है, इसमें क्या दे रखा था इस सवाल में, पहले बिंदु के निर्देशांक दे नहीं रखे थे, अज्ञात थे, दूसरे के निर्देशांक दे रखे हैं और एक मध्य बिंदु के दे रखे हैं, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दीजिए, अज्ञात निर्देशांक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आठ हुआ, देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको दे रखा है, एक तो ए पॉइंट दे रखा है और एक बी पॉइंट दे रखा है, ये ए मान है और ये बी मान है, ध्यान से समझे बेटा, ए के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस दो और माइनस दो, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं दो और माइनस चार। ठीक है बेटा, तो पी के निर्देशांक याद कीजिए, पी इनका कटान बिंदु होगा, इसके निर्देशांक किससे लिखते हैं अपन, एक्स वाई से, किससे लिखते हैं एक्स वाई से, ध्यान रखना, दोबारा देखिए इसी सवाल को, दोबारा देखिए, पहले बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं अपन एक्स वन वाई वन से, दूसरे बिंदु को लिखते हैं एक्स टू और वाई टू से, ध्यान रखना हमेशा, पहले बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं एक्स वन वाई वन से, दूसरे बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं बेटा एक्स टू वाई टू के, और जो कटान बिंदु होता है जिसको आप प्रतिच्छेदी बिंदु बोल सकते हो, जिसको विभाजन बिंदु बोल सकते हो, उसके निर्देशांक होते हैं एक्स वाई, उसके निर्देशांक क्या होते हैं बेटा एक्स वाई, उसके निर्देशांक क्या होते हैं बेटा एक्स वाई, एक्स वाई लिख दिया मैंने। अब आगे क्या कह रहा है, ए पी बराबर तीन बटे सात ए बी है, तो पी के निर्देशांक, इसके निर्देशांक पूछ रहा है आपको, तो अनुपातों की बात कर रहा हूं मैं, क्या दे रखा है ए पी बराबर दिया है, दिया है, क्या दे रखा है मतलब ए पी बराबर तीन बटे सात ए बी, तो यदि आप इसकी तुलना करोगे तो देखो बेटा ए पी बटे ए बी भी लिख सकते हैं इसको, ए पी बटे ए बी बराबर तीन बटे सात, तो ए पी कहां है, ए पी यहां से यहां तक है, ये तीन है बेटा, ये कितना है तीन, और ए बी सात है, ए बी यहां से लेकर यहां तक सात है। अब ध्यान से समझिए अनुपात कैसे निकाल रहा हूं मैं अनुपात कैसे निकाल रहा हूं, इसकी कोशिश कीजिए, ए पी तीन है, ये ए से पी तक की दूरी तीन है, ठीक है बेटा, अब ए बी ए से बी तक की सात है, तो ये पी बी का अनुपात कितना हो गया बताओ मुझे, ये पूरी सात है, ये पूरी तीन है, ये आधी तीन है, यहां से यहां तक तीन है, तो ये कितनी बच गई चार, तो अनुपात कितना आ गया हमारा तीन अनुपात चार, अनुपात कितना आ गया बेटा तीन अनुपात चार। अब मैं यहां आपको मान लिख रहा हूं, देखो पहला बिंदु का x1 कितना है माइनस दो, y1 कितना है माइनस दो, ठीक है, और x2 कितना है दो, y2 कितना है माइनस चार, और अनुपातों में देखो m1 कितना आया तीन और m2 कितना आया चार। अब ये एक्स वाई का मान आ जाएगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बेटा विभाजन वाला, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु पी एक्स वाई का मान निकालना है आपको, विभाजन बिंदु में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, मान रखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा x बराबर, देखो एम वन की वैल्यू कितनी है तीन, एक्स टू की वैल्यू दो प्लस एम टू की वैल्यू चार और एक्स वन की वैल्यू माइनस दो, माइनस में संख्या आ गई इसलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया, फिर एम वन की वैल्यू कितनी है बेटा तीन प्लस चार, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए यदि कोई कंफ्यूज हो तो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ए बिंदु दे रखा है माइनस दो माइनस दो, बी बिंदु दे रखा है दो माइनस जो दो माइनस चार, इनको मिलाने वाली रेखा को पी कोई बिंदु है जो काट रहा है और इसके निर्देशांक पूछ रहा है हमसे एक्स वाई के, ठीक है बेटा, आगे हमको दे रखा है कि ए पी बराबर तीन बटे सात ए बी है, तो इससे हमको अनुपात निकालना है, तो ये ए बी को इधर लाएंगे बटे में गई, तो ए पी बटे ए बी तीन बटे सात हो गया, ए पी की वैल्यू तीन हो गई, तो ए पी का अनुपात तीन हो गया। अब ए बी का वैल्यू सात दे रखी है, यहां से यहां तक की सात है, यहां से यहां तक तीन है, तो ये पी से बी तक कितना हो जाएगा चार, तो हमारा अनुपात तीन अनुपात चार आ गया। ठीक है बेटा, अब विभाजन बिंदु से एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू देखो तीन दूना छह
प्लस और माइनस, माइनस चार दुनी आठ बटे सात, तो माइनस के दो बटे सात हो गया, छह माइनस आठ यानी माइनस दो बटे सात। अब मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा, वाई का मान पुनः वाई का मान होगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू, मान रख लिए वाई बराबर। देखो बेटा एम वन, एम वन की वैल्यू कितनी है तीन, वाई टू, वाई टू का मान कितना है माइनस चार, प्लस एम टू, एम टू की वैल्यू कितनी है चार, गुणा वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है माइनस दो, बटे एम वन प्लस एम टू, तो तीन प्लस चार, तीन प्लस चार, तो वाई बराबर क्या हो गया तीन माइनस चार करेंगे तो माइनस के बारह, और प्लस और माइनस, माइनस हो गया चार दूनी आठ बटे सात, तो वाई की वैल्यू हो गई माइनस बीस बटे सात। समान चिन्ह की संख्या होती है जुड़ती है बेटा, समान चिन्ह की संख्या होती है जुड़ती है। अब देखो अतः है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक बराबर, देखो हमने क्या माने थे पी के निर्देशांक, हमने माने क्या थे पी के निर्देशांक, हमने एक्स वाई माने थे, तो एक्स का मान हमारे पास कितना निकल के आया माइनस दो बटे सात कौमा, फिर वाई माना था तो वाई का मान कितना निकल के आया माइनस बीस बटे सात। ये हमारे पास विभाजन बिंदु के निर्देशांक थे। एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रश्न में हमको दिया गया क्या है, इस प्रश्न में हमको दे क्या रखा है बेटा, एक तो ए बिंदु दे रखा है जिसको अपन ने एक्स वन वाई वन लिख दिया, एक बी बिंदु दे रखा है जिसको एक्स टू वाई टू लिख दिया, क्लियर है। अब प्रश्न हमसे ये कहता है इस ए बी बिंदु को मिलाने पर कोई बिंदु पी इसको काटता है, कहीं क्या करता है कोई बिंदु पी इसको काटता है यानी इसका प्रतिच्छेद करता है, पी ने प्रतिच्छेद कर दिया, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। और हमें एक बात दे रखी थी इसका निर्देशांक के लिए, आपको पता है विभाजन बिंदु का सूत्र आएगा, विभाजन बिंदु का जो आपको लिखवा रखा है, देखिए पी का मान निकालने के लिए हमको अनुपात भी चाहिए, तो अनुपातों के लिए एक नियम दे रखा है एपी बराबर तीन बटे सात एबी, तो एबी को इधर लाएंगे एपी बटा एबी बराबर तीन बटे सात हो गया, इसकी तुलना करते हैं ना तो एपी की वैल्यू तीन आ रही है, तो एपी की जो अनुपात लिख दिया तीन लिख दिया, एबी का मान सात लिख दिया, ए से लेकर बी तक सात है, तो पी से बी का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा चार हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा सात है इसमें तीन हटा देंगे तो इधर चार बचेगा, तो एम वन अनुपात एम टू अपने पास तीन अनुपात चार आ गया। अब अपने पास एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, एम वन एम टू है, तो अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक्स और वाई का मान ही अपना ये विभाजन बिंदु हो गया, क्लियर बेटा। बेटा देते हैं ध्यान से समझिए, पूरा फोकस रखिए सवाल पर, समझने पर याद दिमाग लगाओगे तो निश्चित रूप से प्रश्नावली कंप्लीट होगी। ये सात नंबर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, अगर आपने ध्यान से पढ़ोगे सात नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सातवां आठवां हो गया, नवा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नौ, नवा प्रश्न में है ए और बी बिंदु है, ये नवा प्रश्न में ए बिंदु है और ये बेटा कौन सा बिंदु है बी बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ए के निर्देशांक है माइनस दो और दो, ठीक है बेटा, और इसके निर्देशांक है दो और आठ। अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बिंदुओं ए माइनस दो दो और बी दो आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा कितने बिंदुओं का निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, चार, कितने बिंदुओं का निर्देशांक पूछ रहा है चार, यानी इनको चार बराबर भागों में बांटना है, तो चार बराबर भागों के लिए अपन को तीन बिंदु लेने पड़ेंगे, कितने बिंदु लेने पड़ेंगे बेटा तीन बिंदु लेने पड़ेंगे अपन को, ये बिंदु हो गया पी क्यू आर। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो चारों पार्ट है ना बेटा बराबर है, इसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ आपको, दो तरीके से अपन यहाँ कर सकते हैं, जो सिंपल है ना, सिंपल है, समझिए ये एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, ठीक है बेटा ध्यान से समझिए, एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, हमने ये पी क्यू आर तीन बिंदु ऐसे लिए हैं कि जिससे ये मान ये टुकड़े बराबर हो जाए, ये चार टुकड़े क्या हो जाए बेटा बराबर, ये चार टुकड़े क्या हो जाए बेटा बराबर हो जाए, चार टुकड़े क्या हो जाए बेटा ये बराबर, ठीक है। अब यदि आप इसको अनुपात के माध्यम से करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो बेटा ध्यान से समझना, पहला बिंदु दूसरा बिंदु इनको थोड़ी देर भूल जाओ, इसी बिंदु को याद रखो, इसका अनुपात क्या होगा, इधर देखो एक भाग है,
इधर एक दो तीन भाग है, इधर एक अनुपात तीन हो जाएगा और पी के निर्देशांक एक्स वाई आप ज्ञात कर लोगे। इनको थोड़ी देर भूल जाओ, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, ये एम वन अनुपात एम टू हो गया, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका क्या है दूसरे बिंदु का? अब इस क्यू का मान कैसे निकालेंगे? देखो क्यू का अनुपात इधर दो भाग है, इधर दो भाग है, तो इसका अनुपात हो जाएगा दो अनुपात दो। अब आप इनको भी भूल जाइए, अब इनको याद रखिए, वैसे ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, और अनुपातों में ये एम वन ये एम टू है, तो इसके एक्स वाई निकाल लीजिए, इसके क्या निकाल लेंगे एक्स वाई। ठीक है बेटा, ये Q का मान निकाल लिया। अगर R का मान कैसे निकालेंगे? इधर देखो तीन भाग हो गए, एक दो तीन, तो यहाँ तीन लिख देंगे या अनुपात एक लिख देंगे, क्योंकि इधर एक ही भाग है। अब इन दोनों को भूल जाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एक A पहला बिंदु हो गया, B दूसरा बिंदु हो गया, A पहला बिंदु हो गया, B कौन सा बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, और इनका जो विभाजन कर रहा है वो R है। एम वन का मान यहाँ तीन लिखना है, देखो एक्स वन वाई वन ये रहेगा, एक्स टू वाई टू ये रहेगा, सिर्फ एम वन तीन हो जाएगा, एम टू एक हो जाएगा। आप R का मान निकाल सकते हो, R X Y के मान निकाल सकते हो। बेटा एक तरीका तो यह है अनुपातों की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से समझिए, ये जब आप चार भाग करते हो इसके बराबर क्यू, जैसे AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, तो ध्यान से समझिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, दूसरा मेथड अब काम में ले रहा हूं। ये AB रेखा है, कौन सी रेखा है ये AB, इसका मध्य बिंदु Q हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दो भाग इधर और दो भाग इधर। जब आप चार टुकड़ों में बांटोगे, कितने टुकड़ों में बांटोगे चार में, कितने टुकड़ों में बांटोगे चार में, तो क्यू के दो भाग इधर और दो भाग इधर, तो ए बी का मध्य बिंदु क्यू है बेटा, ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक क्या लिखेंगे बेटा, क्यू एक्स वाई ऐसे लिखेंगे ना, तो Q, अब X की वैल्यू, तो मध्य बिंदु में क्या होता है X की वैल्यू X1 प्लस X2 बटे 2, और Y की वैल्यू क्या होती है मध्य बिंदु में Y1 प्लस Y2 बटे 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है X1 X2 की, Y1 Y2 की, देखो यहां कहां से लिखेंगे, देखो बेटा ये AB का मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है AB का, तो A के निर्देशांक X1 Y1 है, B के निर्देशांक X2 Y2 है, तो A के निर्देशांक लिखो, X1 का मान कितना है माइनस 2, Y1 का मान कितना है 2, ये A के निर्देशांक हो गई, और B के निर्देशांक X2 का मान 2 और Y2 का मान कितना हो गया बेटा 8। ठीक है, यानी AB का मध्य बिंदु है Q, ये Q वाला पॉइंट है जो A और B का मध्य बिंदु है, तो A पहला बिंदु हो गया X1 Y1, B दूसरा बिंदु हो गया X2 Y2। ठीक है बेटा, अब मान रख रहा हूं मैं, Q के मान निकाल रहा हूं, तो X1 की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस 2, प्लस X2 की वैल्यू कितनी है 2 बटे 2, और Y1 का मान 2 प्लस Y2 का मान 8 बटे 2। ठीक है, तो Q माइनस 2 प्लस 2 जीरो बटे 2 हो गया, और ये 10 बटे 2 हो गया, 2 और 8 10 हो गया ना, तो Q का जो वैल्यू आई है, Q के दो निर्देशांक आए हैं 0 और 5 आए। अब बेटा Q के निर्देशांक कितने आ गए एक्स वाई की जगह, 0 और 5 आ गए, ध्यान से समझिए 0 और 5 आ गए, किसके निर्देशांक निकाल चुके हम Q के, किसके निर्देशांक निकाल चुके हम Q के, किसके निर्देशांक निकाल चुके हम Q के, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु Q है। अब ध्यान से समझिए, अब A का निर्देशांक अपने पास है, Q का अपने पास है, B का अपने पास है, ध्यान से समझिए, जब ये चार बराबर के टुकड़े हैं ना, तो A और Q का मध्य बिंदु P है, यहां से देखिए आधे वाले भाग को, A Q का मध्य बिंदु क्या है बेटा P, A Q के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, अब P है ना, P जो A और Q का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से कर रहा हूं मैं इस सवाल को, तो P के निर्देशांक क्या लिख देंगे एक्स और वाई। अब देखिए यहां वैल्यू लिख देंगे, अब P का सूत्र लगा रहे हैं, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा इसमें भी, तो X का सूत्र क्या हो जाएगा X1 प्लस X2 बटे 2, और Y का क्या हो जाएगा Y1 प्लस Y2 बटे 2। अब मैं इनका मान निकालने की कोशिश करता हूं कि X1 Y1 क्या है और X2 Y2 क्या है, तो बेटा देखो ये रेखा AQ का मध्य बिंदु है, ये जो P है ना P, जो A और Q का मध्य बिंदु है, ये P है बेटा P जो A और Q का मध्य बिंदु है, तो A है ना A, ये X1 Y1 का काम करेगा, और Q है जो X2 Y2 का काम करेगा, क्योंकि A और Q का मध्य बिंदु है, फर्स्ट बिंदु A लास्ट बिंदु Q, तो फर्स्ट बिंदु A में X1 कितना आ गया माइनस 2 और Y1 कितना आ गया 2, और Q में X2 Y2 का काम करेगा, X2 का मान 0 और Y2 का मान कितना आ गया बेटा 5। अब मान रखते हैं P, X1 की वैल्यू देखो माइनस 2,
प्लस एक्स टू की वैल्यू 0/2, वाई वन की वैल्यू 2 प्लस वाई टू की वैल्यू 5/2। ध्यान से समझिए, अब इसको p माइनस 2 प्लस 0 तो माइनस 2 ही रहेगा, माइनस 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 2 और 5 कितने हो गए 7/2 हो गया। तो p की जो वैल्यू आई है यहाँ, p के जो निर्देशांक आए हैं हमारे पास माइनस 1 और 7/2 आए, माइनस 1 और 7/2 आए। अब बेटा हमारे पास क्या रह गया, आर। बताइए मुझे अब आर किसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु से ही हो गया। आर किसका मध्य बिंदु है हमारे पास, क्यू बी का, क्योंकि सब टुकड़े बराबर है ना, सब टुकड़े क्या है बराबर है, तो क्यू बी का मध्य बिंदु आर है। ये जो आर किसका मध्य बिंदु है, क्यू बी का, तो इसको भी मध्य बिंदु वाले सूत्र से हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे, क्यू बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, क्यू बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक लिख रहा हूं। क्या लिख दूं मैं, आर और एक्स वाई। अब बेटा सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, मध्य बिंदु वाला सूत्र कौन सा लगेगा, मध्य बिंदु वाला। तो R और X की वैल्यू क्या लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र में, X1 प्लस X2 बटे 2, Y की क्या लिखेंगे Y1 प्लस Y2 बटे 2। ठीक है, अब यहां पर मान जमाइए, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर जगह कम थी, तो बेटा यहाँ X1 का मान क्या होगा और Y1 का लिखना है, फिर X2 का लिखना है और Y2 का लिखना है। ध्यान से समझिए, किसका मध्य बिंदु है ये, QB का। किसका मध्य बिंदु है, QB का। तो पहले नंबर पर क्या आया है, Q, पहले नंबर पर क्या आया है, Q, तो Q के निर्देशांक X1 Y1 है, Q कहाँ है ये रहा, तो Q के निर्देशांक X1 की वैल्यू 0 और Y1 की वैल्यू 5, X1 की वैल्यू 0 और Y1 की वैल्यू 5, और दूसरे नंबर पर क्या आया है, B, तो B के निर्देशांक X2 Y2 है, तो B का मान, X2 का मान 2 और Y2 का मान 8, बस ये जमा दो, तो R बराबर X1 की वैल्यू 0 प्लस X2 की वैल्यू 2/2, फिर Y1 का मान 5 प्लस Y2 का मान 8/2, तो R 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, 5 और 8 13, 13 में 2 का भाग देंगे 13/2। अब ये हमारे पास जो तीन बिंदु थे ना, P, Q, R, तो अभी R के निर्देशांक क्या है बेटा, 1 और 13/2। ये हमने तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए, और ये तीनों बिंदु हैं जो ए बी को चार बराबर भागों में बांट रहे हैं, एपी, पी क्यू, क्यू आर, आर बी। अब यदि आपसे उत्तर लिखना है ना, क्या लिखना है इसमें, ए बी को चार समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिख देंगे इनको। देखो, ए बी को चार समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक, देखिए बेटा क्या है बराबर, पहले P लिख दूं मैं, क्योंकि P आ रहा है कितना है, माइनस 1 और 7/2, फिर Q लिख दूं, Q का कितना है 0 और 5, फिर R लिख दूं कॉमा लगाकर, 1 और 13/2। प्रश्न को एक बार दोबारा समझ लीजिए, कोई कंफ्यूज हो तो निकल जाएगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ए का निर्देशांक माइनस 2/2, बी का निर्देशांक 2/8। हमसे प्रश्न में कहा गया है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को चार बराबर भागों में बांटिए। कितने बराबर भागों में बांटिए, चार बराबर भागों में। गुलशन दोबारा समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए, दोबारा समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए। ए और बी, ये दो बिंदु दे रखे हैं हमको। अब हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, हमसे प्रश्न कह रहा है कि इस ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटिए। कितने बराबर भागों में बांटिए, चार बराबर भागों में बांटिए। तो बेटा चार बराबर भागों में बांटने के लिए तीन बराबर दूरी पर बिंदु होने चाहिए, क्योंकि चार टुकड़ों में बांटेंगे ना, तो बीच में कितने बिंदु होने चाहिए, तीन। तो हमने लिख लिया पी क्यू आर। अब हमने ये ऐसे लिखे हैं कि ए पी का मान, पी क्यू का मान, क्यू आर का मान और आर बी का मान, ये बराबर बराबर दूरी पर हो। कितनी दूरी पर हो, ये ए पी, पी क्यू, क्यू आर बराबर, यानी चारों टुकड़े आपस में बराबर हो, किसी को किसी के बराबर। एपी को आप पी क्यू के बराबर लिख सकते हो, एपी को क्यू आर के बराबर, एपी को आर बी के बराबर। ठीक है बेटा, अब मैंने किस प्रकार से किया है, ये चार टुकड़े हमारे बराबर हो गए। अब मैंने सबसे पहले इसको मध्य बिंदु सूत्र से हल कर दिया, कैसे, कि ए बी का सबसे पहले मध्य बिंदु क्यू है। क्यों, क्योंकि क्यू के दो टुकड़े इधर और दो टुकड़े इधर, मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, तो ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक निकाल लिए। तो इसमें ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन का काम करेगा, बी का एक्स टू वाई टू का काम करेगा। तो क्यू के निर्देशांक का हमने मान निकाल लिया, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो, वाई वन प्लस वाई टू बटे दो, ये मध्य बिंदु का सूत्र से क्यू आ गया। अब बेटा हमारे पास क्यू आ गया, क्यू आ गया ना।
अब ए और क्यू का मध्य बिंदु पी है, तो ए के निर्देशांक हमारे पास है, क्यू के निर्देशांक हमारे पास है, तो इनका मध्य बिंदु पी के निर्देशांक हमने ये निकाल लिया, ए क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। इसमें ए के जो निर्देशांक है वो एक्स वन वाई वन का काम करेंगे और क्यू के निर्देशांक एक्स टू वाई टू का काम करेंगे, तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से हमने पी के निर्देशांक निकाल लिया। लास्ट में बेटा हमने क्या किया है, क्यू और बी का मध्य बिंदु आर है, क्यू और बी का मध्य बिंदु आर है, तो क्यू बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक निकाल लिया। इसमें पहला पॉइंट क्यू है ना जो एक्स वन वाई वन का काम करेगा, दूसरा बिंदु बी है जो एक्स टू वाई टू का काम करेगा। मध्य बिंदु वाले सूत्र में हमने इन मानों को रख दिया, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, दैट्स क्लियर, इसको मिटा सकते, ठीक है बेटा। अब इस प्रश्नावली का निर्देशांक ज्योमिति का लास्ट प्रश्न देखिए, दसवां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, ठीक है, पेपर में भी आ सकता है, आया भी है। देखिए प्रश्न संख्या 10 को समझने की कोशिश करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे। अब बेटा समचतुर्भुज की आकृति जब नाम लिया है ना तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए, ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। ध्यान करो समचतुर्भुज की आकृति कैसी बनती है, ये समचतुर्भुज की आकृति बनेगी जैसे आप ये लाइन खड़ी कर लो, ये एक समचतुर्भुज की आकृति है जिसके ए बी सी और डी ये इसके शीर्ष हैं, इसी क्रम में है, एक ही क्रम में है बेटा। क्या है पहला शीर्ष 3 और 0, दूसरा शीर्ष क्या है 4 और 5, तीसरा शीर्ष क्या है -1 और 4, और चौथा शीर्ष है -2 और -1, ये हमारे चार शीर्ष है बेटे। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है हमसे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका बेटा सूत्र होता है 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब ये सवाल हमको पिछली प्रश्नावली की याद दिला देगा, 1/2 × विकर्ण क्या क्या है, एक विकर्ण हमारे पास बन रहा है एसी, ये तो बेटा विकर्ण, एक विकर्ण तो कौन सा है एसी और दूसरा विकर्ण कौन सा है बीडी, तो एक तो एसी लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे बेटा बीडी, ये हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। बेटा ध्यान से समझिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, हमने ये लिख दिया। अब हमें करना क्या है, एक बार तो एसी निकाल लीजिए, एक बार बीडी निकाल लीजिए। एसी क्या है, ए और सी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा, और बीडी क्या है, बी और डी के बीच की दूरी, तो बी और डी के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। अब हम निकालते हैं पहले एसी, देखो एसी यानी ए व सी के बीच दूरी, बीच दूरी, इसको अपन डायरेक्ट एसी भी लिख सकते हैं, जिसका दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो पहला बिंदु होता है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, पहले बिंदु को x1 y1 लिखते हैं, दूसरे बिंदु को x2 y2 लिखते हैं। अब मैं यहां मान लिख रहा हूं बेटा, पहला बिंदु हमारा ए है, पहला बिंदु क्या है इसमें ए, तो ए के निर्देशांक x और y1 होंगे, तो x और बेटा कितना है 3, पहले वाला मान x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, तो y1 कितना है 0, x1 3 हो गया और y1 0 हो गया, ठीक है बेटा। अब a पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है c, c पर आइए, x2 की वैल्यू कितनी हो गई -1 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, इनको जमा दीजिए ये ac की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x2 का मान है -1 -x1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 -y1 की वैल्यू है 0, 4 - 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा AC बराबर माइनस का 1 माइनस का 3 यानी दोनों समान चिन्ह की संख्याएं, दोनों किसकी संख्याएं हैं
समान चिन्ह की, माइनस का एक, माइनस का तीन, तो माइनस के कितने हो गए चार। अब माइनस चार का जब आप वर्क करोगे तो बेटा 16 आएगा, प्लस चार में से जीरो घटाओगे चार बचेगा, चार का वर्क करोगे तो भी 16 आएगा। एक बात और याद रखना, चाहे माइनस की संख्या का वर्क करो चाहे प्लस की संख्या का वर्क करो, वर्ग हमेशा प्लस में ही आएगा। तो बेटा 16 प्लस 16, इसको 32 भी लिख सकते हैं आप, है ना, 16 प्लस 16 क्या लिख सकते हैं 32। आप चाहो तो चलो 32 लिख के मैं अलग कर रहा हूं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, इधर देखो 16 32 की, 32 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए देखो, क्योंकि वर्गमूल करना है ना, तो दो का भाग देंगे, दो एकम दो, तीन में से दो घटा जाए, एक दो छह की 12, फिर दो का देंगे 2 8 16, फिर दो का देंगे 2 4 8, फिर दो का देंगे 2 2 4, फिर दो का देंगे 1। तो वर्गमूल के लिए दो दो संख्याओं के जोड़े बनेंगे। तो बेटा एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, इसमें से एक दो का ले लिया, एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, इसमें से एक दो का ले लिया, और इसका जोड़ा नहीं बचा तो इसको अपन वर्गमूल में ही लिख देंगे। तो एसी की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा 4√2 आएगी। एसी वीकर्ण हमारे पास कितना आएगा, 2 × 2, यहां से तो 4 हो गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए इसको अंडर रूट में ही लिखेंगे। इसका जोड़ा नहीं बना इसलिए मैंने किसमें लिखा है, इसको अंडर रूट में, और 2 × 2 क्या लिख दिया 4। एक तरीका यह था, और दूसरा तरीका क्या था, देखो बेटा 16 + 16 थे ना इसको, तो 16 × 2 लिख सकते हैं अंडर रूट में, 16 का वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे, 4√2, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। ये मैंने एक विकर्ण निकाल लिया बेटा एसी, कौन सा विकर्ण निकाल लिया एसी। अब दूसरा विकर्ण हमको निकालना है बीडी, विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी बराबर सीधा सूत्र लिख दो, चलो मैं इसमें x2 − x1² + y2 − y1² और फिर इसका अंडर रूट, फिर इसका क्या होगा बेटा अंडर रूट। इसमें भी चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, विकर्ण बीडी, विकर्ण एसी बराबर, सीधा ही लिख दो, चलो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो मैं मान लिखता हूं, इस तरह मैं इधर मान लिखता हूं, x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, x2 कितना होगा, y2 कितना होगा, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा बेटा। कैसे स्पष्ट हो जाएगा, नाम से देखो, पहले नंबर पर यहाँ बी है, पहले नंबर पर क्या है बी, तो x1 y1 बी के होंगे, तो बी निर्देशांक देखो क्या है 4 और 5 है, तो x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 5। ठीक है, ये पहले नंबर पर बी था, पहले नंबर पर क्या था बी, तो बी के निर्देशांक x1 y1 होंगे। दूसरे नंबर पर डी है, तो डी के निर्देशांक x2 y2 के होंगे, तो x2 का मान -2 और y2 का मान -1। बस इसको जमा देंगे, मान रखने पर ये अंडर रूट लगा दिया, x2 का मान बेटा -2 है, -x1 का मान 4 है का स्क्वायर, प्लस y2 का मान -1 है, -y1 माइनस के 5 हो जाएंगे, फिर इसका स्क्वायर बीडी बराबर। ध्यान से समझिए बेटा, -2 − 4 तो माइनस के कितने हो गए 6, माइनस के कितने हो गए ये 6। अब -6 का जब वर्क करेंगे तो बेटा कितने हो गए ये 36, प्लस ये प्लस का निशान ये वाला लगा दिए। ठीक है, -1 − 5 ये भी -6 हो रहे हैं, -6 का वर्क करेंगे तो ये भी कितने हो गए 36। अब बेटा इसको आप जैसे ये किया है ना वैसा की वैसा ही है, 36 + 36 72 लिख सकते हैं, और 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जितनों का जोड़ा बढ़ जाए उसमें से एक एक बाहर निकलेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बढ़े उसको अंडर रूट में रखा रहने देंगे। परंतु इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 36 + 36 72 होते हैं, लेकिन इसको 36 × 2 भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, तो बीडी बराबर। अब वर्गमूल 36 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 6, लेकिन 2 का नहीं निकलता है, 6√2। अब इक्वेशन 1 में मान रख देंगे, हमने बीडी विकर्ण का भी मान निकाल लिया, एसी विकर्ण का भी मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 में रख देंगे सूत्र मानों को, किसमें रख देंगे समीकरण 1 में, क्यों, समीकरण 1 में क्या पूछा गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा 1/2 × AC × BD। क्या सूत्र होता है, इसमें दे भी रखा है संकेत में, 1/2 × AC, एसी की वैल्यू कितनी है 4√2 गुणा बीडी, बीडी का मान 6√2। ठीक है बेटा, 2 × 2 = 4, 2 कट गया। अब पहले बिना वर्गमूल की संख्या गुणा करो, 2 × 6 करेंगे बेटा 12 हो गया। ठीक है, फिर √2 × √2 बच गया, तो 12 × √2 और √2 √2 = 4 हो गए, या 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 ही आएगा। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 × √2 का मतलब है √2 का स्क्वायर, अंडर रूट पर जब स्क्वायर भी लग जाए और अंडर रूट भी हो तो दोनों मान हट जाते हैं बेटा, दोनों मान क्या हो जाते हैं बेटा हट जाते हैं,
ध्यान से देखिए, दोनों मान हट जाते हैं। ठीक है बेटा, ये 12 गुणा 2 करेंगे कितना आ गया, ये 24। क्षेत्रफल वर्ग इकाई आएगा, ध्यान रखना वर्ग इकाई, संकेत कुछ दिया नहीं तो वर्ग इकाई मिल गया। ये अपना प्रश्न कंप्लीट हो गया बेटा, ध्यान से समझिए। आपके जितने मिलने वाले हो या क्लास के साथी हो उनको सबको बताइए, और जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना वो तुरंत कीजिए, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। कम से कम 2-3 बार आपको यह कोर्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जितने भी आपके साथी जानकार मिलने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दीजिए। 10वीं की क्लास कंटिन्यू शाम को 7 बजे चलेगी और 12वीं की क्लास सुबह 5:30 बजे कंटिन्यू चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। ठीक है बेटा, मैथ्स की, ओनली मैथ्स की, जो भी आपके जानकार हैं उनको आप क्लास में लेके आइए। ये आपका सवाल हो गया बेटा, क्लियर है ना, हमारी 7वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, ओके।